हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विक्रमास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्वेश्चंस, दैट इज योर पीवाईक्यूज। अब इसमें आपके पास सिर्फ एक ही पीवाईक्यूज होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार नहीं होते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये हम एक ही क्लास में खत्म करेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स इज सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। अब देखिए, यहाँ पे वो कह रहा है 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स, मतलब इनका जो हम कह सकते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, राइट? अब यहाँ पे अगर मेरे पास ऑप्शंस दी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि मेरे पास एक स्टीम डिस्टिलेशन की भी ऑप्शन दी हुई है। स्टीम डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज होता है? स्टीम डिस्टिलेशन वहां पे यूज होता है जहाँ पे हमें वॉलेटाइल, राइट? अब अगर हमारे पास कुछ मान लो कॉम्पोनेंट्स है विच आर वॉलेटाइल, जो कि स्टीम में वॉलेटाइल है लेकिन दे आर इमिसिबल इन वाटर, तब हम यूज करते हैं। या फिर आपका प्रेशर जो है वो सफिशियंटली हाई होता है, देन योर वेपर प्रेशर ऑफ द बॉइलिंग वाटर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, या फिर उसमें कुछ नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमें 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स दिया है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स में, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है इंटर मॉलिक्यूल में। सो पैरा मॉलिक्यूल नाइट्रोफिनोल्स में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हम स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस से आपके ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, राइट? अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला कह रहा है, ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड। देखो, हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो है वो हम कह सकते हैं, राइट? हाइग्रोस्कोपिक नेचर में हम सोडियम क्रोमेट को, डाइक्रोमेट को तो नहीं यूज करते, मतलब Na2Cr2O7 इज प्रेफर्ड ओवर K2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। नो, इट कैन नॉट बी यूज, राइट? पहली ऑप्शन तो यही है कि इसे हम यूज नहीं कर सकते। यस, अगर मैं ये कहूं कि H2S के थ्रू हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 को पास कर रहे हैं, ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हम ये कह सकते हैं मिल्की कलर ऑब्जर्व होता है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन इन्होंने दे रखी है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करना, नो, इट इज नॉट बीन यूज। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, K2Cr2O7 सॉल्यूशन इज एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। K2Cr2O7 solution becomes yellow on increasing the pH beyond 7, that is also correct. So that means एक ही हमारे पास option गलत है, which is B option. तो हमारा answer यहाँ पे B हो जाएगा। अब ये कह रहा है, the best method for the separation of naphthalene and benzoic acid from their mixture is, हमने naphthalene और benzoic acid को अलग करना है, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन या सब्लिमेशन। देखिए, यहाँ पे हमारे पास नेप्थिलिन है और बेंजोइक एसिड है। बेस्ट मेथड इसके लिए क्या होगा? देखो, बेस्ट मेथड, नेप्थिलिन बॉल्स क्या है, सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है ना इसमें, तो हम कह सकते हैं कि सब्लिमेशन विल बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नेप्थिलिन है वो डायरेक्टली आपका सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और बेंजोइक एसिड नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल, राइट? और ये क्यों नॉन वॉलेटाइल है, इसके अंदर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि योर सब्लिमेशन वुड बी द बेस्ट प्रोसेस जिसके कारण आप इसे चेंज कर सकते हो, राइट? सो इस तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट, राइट? चलिए, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लेट्स सी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैम्फर इज यूज्ड ऑफन इन मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन बिकॉज। कैम्फर क्या है? कैम्फर हम यूज करते हैं फॉर द मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन। क्यों यूज किया जाता है, ये हमसे ये पूछ रहा है। पहली चीज, इट इज राइटली अवेलेबल। सेकेंड चीज, इट हैज अ वेरी हाई
काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज वॉलेटाइल, इट इज सॉल्वेंट फॉर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, इट इज वॉलेटाइल। कैम्फर जो है ये वॉलेटाइल नेचर में होता है और इसे हम रस्ट कैम्फर मेथड से भी कहते हैं। कैम्फर को बेसिकली हम यूज करते हैं एज दी सॉल्वेंट जो कि वॉलेटाइल है और इसे हम इजिली रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएंगे, इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉलविन द प्रेशर ऑफ टॉलविन इन वेपर इज, प्रेशर ऑफ टॉलविन इन वेपर इज राइट equal to the pressure of barometer, less than the pressure of a barometer, equal to vapor pressure of the toluene in simple distillation, more than vapor pressure of toluene in simple distillation. Iska answer hoga C, that is B, this is less than the pressure of barometer. Dekho steam distillation agar hum karte hain aapke toluene ki, right, to pressure jo hai toluene ka vapor mein wo kam hoga as compared to the pressure of barometer, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब आप सॉलिड या लिक्विड जो कि बेसिकली इनसॉल्युबल है वाटर में, वो वॉलेटाइल है स्टीम में, तो इस कारण से हम इसे कह सकते हैं कि यू हैव नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज आल्सो राइट। तो उसके कारण से हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रेशर है दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ अ बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग बेंजोइक एसिड, आइसोअमाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेनोन राइट। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन, ये आपको दिया है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी विल बी द करेक्ट आंसर। इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है साइक्लोहेक्सेनोन की और साइक्लोहेक्सेन की प्यूरिफिकेशन के लिए। क्यों यूज किया जाता है ये देखिए, बेसिकली जब मैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रही हूँ राइट, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो पीक पे होगा। इसका मतलब है ये फैक्ट है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे ही कुछ करेक्टरिस्टिक जो हम कहते हैं ना उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे ही उसे एब्जॉर्ब करेंगे IR को राइट। सो दैट मीन्स दैट इज द रीजन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए इज लाइटर देन फिनोल एंड बी इज एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड राइट। सो ए जो है वो लाइटर देन फिनोल है, बी इज एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ए एंड बी कैन बी कैरिड आउट इजिली बाय यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली सॉल्युबल होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में, बट फिनोल जो है वो डिसॉल्व नहीं करेंगे आपके सोडियम बाइकार्बोनेट में राइट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और ये फॉर्म करता है सोडियम कार्बोक्सीसाइलेट। मतलब अगर आपके पास RCOOH है और आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस H2CO3 राइट, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दैट मीन्स इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर्शियन ब्लू इज फॉर्म्ड, पर्शियन ब्लू कब बनता है राइट, कब बनता है पर्शियन ब्लू, फेरस सल्फेट जब रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ, फेरिक सल्फेट जब रिएक्ट करता है Na4FeCN6 के साथ, फेरस अमोनियम सल्फेट रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ, अमोनियम सल्फेट रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ। तो इसका आंसर होगा फेरिक सल्फेट जब रिएक्ट करता है Na4FeCN6 के साथ। देखिए सोडियम है प्लस कार्बन प्लस N, आपको क्या बना के देगा, सोडियम राइट। FeSO4 जब आपका 2NaCN के साथ रिएक्ट करेगा ये आपको देगा FeCN होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ये मिल जाएगा राइट। अब यहां से आपका जो Na2SO4 है अब इसे भी देख लेते हैं, FeCN2 आपको मिला था राइट, प्लस 4NaCN के साथ ये क्या रिएक्शन देगा, ये देगा Na4FeCN6, 3Na4FeCN6 प्लस 4FeCl3, ये आपको क्या देगा, Fe4 राइट, FeCN6
then here we will have thrice plus 12 NaCl, right? So ye kya bana tumhe? Ye mila Persian. So these are the reactions. तो ये reactions किसके साथ हो रहे हैं? Ferric sulfate के साथ हो रहे हैं, right? So basically we are going to extract FeCl3 कब form होगा? Persian blue कब form होगा? जब ferric sulfate react करेगा Na2FeCn6 के साथ. Next आता है the lysine extract is boiled with concentrated HNO3 while testing for halogens. By doing so, it helps in precipitating of AgCl, increases the solubility product of AgCl, increasing the concentration of NO3 negative ions, decomposing Na2S and NaCN if formed. Yes, this is the correct option, right? Dekhiye, hamare paas kya hai? NaCN hai, HNO3 ke saath react kar raha hai. Ye hume dega NaNO3 plus HCl, right? अब आपका जो Na2S है ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, लेट्स से 2HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव यू 2NaNO3 प्लस H2S, राइट? अब ये जो है ये एस्केप करेंगे सॉल्यूशन से और ये इंटरफेयर नहीं करेंगे विद द टेस्ट फॉर योर हैलोजन्स, तो इस तरीके से ये एस्केप करेंगे, राइट? नेक्स्ट आता है लिसाइंस टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन फेल्स, राइट? पहला है NH2CO NH2.HCl, NH2NH2HCl, NH2CO NH2 C6NH5 NH2HCl. कौन सा फेल करेगा, राइट? लिसाइंस टेस्ट के लिए कौन सा फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन फेल्स इन, ये फेल करेगा आपके इस ऑप्शन में, राइट? लिसाइन टेस्ट मतलब ये सिर्फ उनके साथ आपको टेस्ट देता है, उन कंपाउंड्स के साथ जिसमें दोनों कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं. अब इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसमें दोनों कार्बन और नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है, दैट इज द बी ऑप्शन. तो हम कह सकते हैं इट विल फेल इन दिस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ये कहते हैं इन सोडियम फ्यूजन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द नाइट्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इन टू. नाइट्रोजन जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो किसमें कन्वर्ट होता है? सोडामाइड, सोडियम साइनाइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्रेट. अब देखिए सोडियम कन्वर्ट होना है, राइट? Na पॉजिटिव सी प्लस एन, राइट? ये आपको NaCN देता है. ये कहाँ से आएगा आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा, राइट? सो जब भी नाइट्रोजन कंटेन करेगा कंपाउंड, राइट, उसको अगर हम हीट करेंगे सोडियम के साथ, नाइट्रोजन और कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो मीट करेगा और वो क्या बनाएगा? वो कन्वर्ट करेगा NaCN में, मतलब सोडियम साइनाइड. तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. लेट्स गो टू योर नेक्स्ट वन. लिसाइंस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और ऑल ऑफ दीज. इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अभी इसमें से हमें क्लोरीन का टेस्ट और नाइट्रोजन का टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? और हमने पढ़ा भी था कि डिटेक्शन जो है नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन की, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिटेक्शन हम किससे कर सकते हैं? लिसाइंस टेस्ट के साथ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ड्यूमास मेथड ऑफ फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड के 40 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 725 मिलीमीटर प्रेशर. इफ द एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन इज 25 मिलीमीटर, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड इज. अब ये हमें निकालना पड़ेगा, राइट? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस टेक. कितना मास लिया हमने सब्सटेंस का? लेट्स सी, 0.25 ग्राम्स. वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड, कितना वॉल्यूम हमने नाइट्रोजन का कलेक्ट किया? 40 मिलीलीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 725 मिलीमीटर, राइट? ये आपको यहाँ पे गिवन है.
नेक्स्ट इन्होंने कहा है रूम टेम्परेचर, हमें रूम टेम्परेचर भी बोला है इन्होंने कितना है, दिस इज 300 केल्विन टेम्परेचर, राइट। अब एक्वस टेंशन एट रूम टेम्परेचर, दिस विल बी इक्वल टू 25 मिलीमीटर, राइट। सो एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस कितना हो जाएगा, राइट मिलीमीटर एचजी, मतलब ये हो गया 700 मिलीमीटर का। अब यहां पे हम कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, राइट। अब P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 760, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इनटू V2 ओवर 273 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू P2 हमने निकाला 700, सॉरी P1 हमने निकाला 700, हम यहाँ वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 40, इसकी वैल्यू अगर मैं डालू डिवाइडेड बाय 3, तो V2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 33.63 मिलीलीटर के बराबर आ रही है, राइट। अब इसे अगर मुझे एसटीपी कंडीशंस में चेंज करना है, तो एसटीपी कंडीशंस पे मैं इनको नाइट्रोजन के बेसिस पे अगर चेंज करती हूँ, तो मेरा वेट हम कैसे निकाल सकते हैं, लेट मी राइट इट हियर, विल बी इक्वल टू 28 इनटू जितनी इसकी वैल्यू आई है, विच इज 33.63 डिवाइडेड बाय नॉर्मल टेम्परेचर कितना आता है 22,400 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 0.25, राइट। अब ये करने के बाद अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ, अब मेरे को इसको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 16.76%। सो दैट मींस योर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा, हमें सारों के जो जो चीजें हमें दी हुई हैं उसी के बेसिस पे हमने एक्वस टेंशन को निकाल के एक्चुअल प्रेशर जो है हाइड्रोजन, जो भी आपकी गैस दी है यहाँ पे नाइट्रोजन की, उसको हमने कैलकुलेट किया, फिर हमने रिलेशन लगाया P1 P1 upon T1 is equal to P2 V2 over T2, और मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख दी और यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख दी, डजंट मेक एनी डिफरेंस। और उसके बाद हमने V2 की वैल्यू कैलकुलेट की और फिर हमने उसकी परसेंटेज वैल्यू जो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकाल दी, राइट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ड्यूमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ 0.35 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 55 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 175 मिलीमीटर प्रेशर, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड वुड बी एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन इज गिवन टू यू, राइट। एक्वस टेंशन आपको 300 केल्विन पे इन्होंने दी हुई है और अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द परसेंटेज टेंशन, सॉरी कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। बिल्कुल सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन होगा जिस तरह से हमने पिछला वाला किया, वही लगाएंगे P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2, राइट। P2 आपका प्रेशर हो जाएगा एट एनटीपी एसटीपी, T1 टेम्परेचर एट एसटीपी और V2 हमें निकालना है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास डेंसिटी गिवन है तो मैं उसी के बेसिस पे इसे निकाल सकती हूँ, या फिर मेरे पास यहाँ पे मास गिवन है, तो देखते हैं हम किस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, इट विल बी इक्वल टू रो माइनस रो 1 ओवर टी प्लस 273 मल्टीप्लाई बाय 273 ओवर 760, दिस इज इक्वल टू V2, राइट। जहां पे रो 1 विल बी इक्वल टू रो माइनस रो 1, राइट। सो अब अगर मेरे पास जो प्रेशर है, राइट, दैट इज इक्वल टू, अब मेरे पास प्रेशर कितना है, दैट इज इक्वल टू 715 मिलीमीटर होगा, राइट, एंड P1 विल बी इक्वल टू 15 मिलीमीटर, राइट। सो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है, एंड V1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 55 मिलीलीटर, जो कि आपका वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन इन नाइट्रोमीटर होगा, राइट।
तो वी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 715 माइनस 15 इंटू 55 ओवर 300 इंटू 273 ओवर 760, राइट। ये वी टू की वैल्यू आ गई। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी फिर, 28 ओवर 22,400 मल्टीप्लाई बाय वी टू ओवर, वी टू मतलब जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ओवर डब्ल्यू इंटू 100। और अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 16.45% के करीब आएगी। दैट मीन्स योर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके लिए हमें वी टू की जरूरत है, हम वी टू फाइंड आउट करेंगे और अल्टीमेटली योर आंसर विल बी फाउंड आउट, राइट। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। केजल्ट मेथड इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। देखो ये जो मेथड है ये सिंपलर है और ज्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू ड्यूमास मेथड जो कि हमने पढ़ा था, राइट। इस मेथड से लार्जली हम क्या एस्टिमेट करते हैं, हम वो चीजें एस्टिमेट करते हैं, वो फूड स्टफ एस्टिमेट करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, ड्रग्स होती हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं या बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इस मेथड को हम सिर्फ यूज करते हैं, इस मेथड को बेसिकली हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज करते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होगा इन द रिंग फॉर्म, राइट। जैसे कि पिरिडिन, क्यूनिलिन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नाइट्रो और डायज़ो, तो इनके लिए हम इन्हें यूज नहीं कर सकते हैं, सिंपल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन हम इसे यूज कर सकते हैं। सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर में से बनते हैं, इस चैप्टर में से मतलब जो आपके प्यूरिफिकेशन वाले चैप्टर में से बनते हैं, और इसके सिवाय आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो बनेंगे इंस्टेड ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार देखेंगे, आपके पास जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, बहुत इजी हैं, सिर्फ जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके ड्यूमास मेथड को लेके हैं, अदरवाइज आपके पास कोई भी इसके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ रखे हैं। थ्योरी में हमने ये भी पढ़ा था 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनोल्स को हम कैसे करते हैं, तो हमने सारे मेथड्स पढ़े थे, डिस्टिलेशन क्या होती है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेसेस हमने पढ़ी थी, सिंपल कैसे होती है, फ्रैक्शनल कैसे होती है। सो वी हैव स्टडीड एवरीथिंग जो कि हमने आपकी क्लास में पढ़ा था इन अ थ्योरी वे, राइट। अब यहाँ पे जब आपको एस्टिमेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपको वो सब कुछ याद है जो हमने पढ़ा है, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे कि इस क्वेश्चन को ही ले लीजिए जहाँ पे आपको नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड को अलग करना था। नेफ्थलीन हमें पता है ये बहुत इजिली सब्लिमेशन की प्रोसेस कैरी आउट कर सकता है, तो इसमें तो हमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं थी, सब्लिमेशन वॉज द गुड आंसर हियर, राइट। अब कैम्फर को हम यूज कर रहे हैं, कैम्फर भी एक तरह से आपकी सब्लिमेशन की प्रोसेस में चला जाता है, बहुत वॉलेटाइल होता है, तो इसीलिए इसको हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन में यूज करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉलविन में प्रेशर टॉलविन का कैसा होगा, ऑब्वियसली स्टीम डिस्टिलेशन तभी हो रही है जब उसका प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। सो नेक्स्ट आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जो ये क्वेश्चन था, ये आपका हमने किया था यहाँ पे कि हम किस तरीके से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं टू फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द मिक्सचर जिसके अंदर बेंजोइक एसिड, आइसोमाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनोन, ये सब कुछ गिवन होता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि आपका अगर लाइटर फिनोल है और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सेपरेशन कैसे हो सकती है सोडियम बाइकार्बोनेट से, क्योंकि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा जबकि आपका फिनोल जो है इट विल नॉट रिएक्ट विद दैट, राइट। पर्शियन ब्लू कैसे फॉर्म होता है ये भी हमने देख लिया कि फेरिक सल्फेट जो है FeSO4, फेरिक सल्फेट जब हम कह रहे हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड हम FeSO4 की बात कर रहे हैं, उसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं, अल्टीमेटली आर गोइंग टू गेट द आंसर, राइट। लसाइन टेस्ट के बारे में जब हमने बात की तो हमें पता है लसाइन टेस्ट हमें कहाँ यूज होता है, लसाइन टेस्ट हमारा यूज होता है इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजन, राइट। तो यहाँ पे ये डिकम्पोज करेगा आपके सोडियम
सल्फाइड को और सोडियम साइनाइड को, राइट। तो इसी तरीके से हमने नाइट्रोजन में देखा कि हमारा लसाइन टेस्ट यहाँ पे क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन के लिए, मतलब उसमें हाइड्रोजन और कार्बन और अमाइन, नाइट्रोजन और कार्बन दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है इसीलिए, राइट। फिर आया आपके पास सोडियम फ्यूजन टेस्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फ्यूजन टेस्ट का मतलब है कि नाइट्रोजन जो है कंपाउंड का कन्वर्ट हो रहा है, राइट, साइनाइड्स में। फिर हमने लसाइंस टेस्ट के बारे में पढ़ा, ये हमने अभी डिस्कस किया। फिर हमने ड्यूमास टेस्ट के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि कौन कौन सी एस्टिमेशंस के लिए वो हेल्प कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट में केजल्स मेथड पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि वो किस चीज की एस्टिमेशन में यूज होता है। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने एक ही लेक्चर करना था PYQs में, जो कि हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे आपकी नॉमेनक्लेचर, राइट। सो तब तक के लिए प्लीज रिवाइज वट एवर वी हैव डन सो फार। और कल आपकी क्लास होगी IIT के लिए रात को 11 बजे, और दिन में आपकी क्लास होगी नॉमेनक्लेचर की ही, जो कि जिसमें हम आपकी थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, राइट। सो वी विल बी मीटिंग सून टुमारो। टिल देन प्लीज रिवाइज वट एवर वी हैव डन सो फार, एंड वी विल बी मीटिंग सून टुमारो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।